इस so नोट्स को वापस से खोल लेता हूँ सबसे पहले तो मैं और यहां पर हम लोगों ने लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में डूबाइल लूप के बारे में पढ़ लिया था बहुत अच्छे से पढ़ा था ठीक है आज हम लोग देखेंगे फॉर लूप को कि क्या है सिंटेक्स फॉर लूप का और फॉर लूप किस तरह से वाइल्ड और डूबाइल लूप से अलग है ठीक है अलग तो है देखो तभी अलग से बनाया गया एक लूप सिंटेक्स देख लेते हैं इसका क्या है सिंटेक्स ऑफ अ फॉर लूप लुक्स लाइक दिस तो यहाँ पर सिंटेक्स इसका देखो क्या दिया गया है फॉर uh, लिखो फिर इनिशियलाइज लिखो चेक बुलियन एक्सप्रेशन फिर अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और फिर उसके बाद यहाँ पर अंदर कोड लिखा जाएगा जो कि एग्जीक्यूट होना है अब आप लोग कहोगे यार ये क्या है मतलब कैसे काम करता है तो हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया में आएंगे राइट right लिख करके न्यू जावा क्लास करेंगे और मैं यहाँ पर सी डब्ल्यू एच अंडर स्कोर ट्वेंटी थ्री अंडर स्कोर फॉर लुप डॉट जावा करके मैं एक क्लास बना लेता हूँ और मैं एक मेन मेथड भी बना लेता हूँ ताकि उसके अंदर मैं कोड लिख पाऊँ ठीक है तो ये सारा काम मैं करूँगा और यहाँ मेन मेथड के अंदर अब मैं अपना लॉजिक लिखूँगा मान लो मुझे एक से लेकर दस तक नंबर को प्रिंट कराना है ठीक है मैं लिखूँगा फॉर मैं लिखूँगा इंट आई इज टू ज़ीरो उसके बाद मैं लिखूंगा i इज लेस देन और इक्वल टू इलेवन सॉरी टेन और उसके बाद मैं लिखूंगा i प्लस प्लस ठीक है इनफैक्ट जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो जीरो से टेन प्रिंट करेगा अगर आप यहाँ पे वन लिख दोगे तो वन से टेन तक प्रिंट करेगा ठीक है तो यहाँ पे वन लिख दिया तो वन से टेन तक करेगा चलता कैसे है ये दिखाता हूँ आप लोगों को मैं लिख दूंगा यहाँ पर साउट आई इसको रन करूँगा जैसे इसको मैं रन करूँगा आप लोग देखो इसने यहाँ पर मैंने एक्चुअली गलत प्रोग्राम रन कर दिया राइट क्लिक करके रन करना चाहिए ये ट्वेंटी टू वाला रन हो गया था तो देखो मैंने ये ट्वेंटी थ्री वाला प्रोग्राम जब रन किया तब तो यहाँ पर एक से लेकर दस तक नंबर प्रिंट हो गए अब ऐसा क्यों हुआ देखो ये फॉर लूप काम किस तरह से करता है इस चीज़ को समझ लेते हैं सबसे पहले तो देखो कि फॉर लूप में इंट आई इज इक्वल टू वन लिखा हुआ है यानी कि इनिशियलाइजेशन इसको मैंने यहाँ पर अगर आप नोट्स में देखो तो इनिशियलाइज लिखा हुआ है आप कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर लिख देते हो जो कि सिर्फ एक बार चलेगी इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस वो एक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है जो कि एंड आई इज़ इक्ल टू वन है ठीक है तो आप यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो तो कहते हो भाई आई की वैल्यू वन कर दो और एक आई बना के उसकी वैल्यू वन कर दो इससे पहले मैंने आई को कहीं डिफाई नहीं किया मैंने यहीं पर बोला कि एंड आई इज़ इक्वल टू वन फिर उसके बाद जो कंडीशन हर बार चेक होनी है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है सेमिकॉलन के बाद इसके बाद मैं यहाँ पर एक अपडेशन कंडीशन लिखता हूँ जो कि हर आइट्रेशन पर रन होगी तो ये किस तरह से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ये बोलेगा चलो ठीक है आई इज इक्वल टू वन को बना दिया जाए आई एक वेरिएबल बन जाएगा और आई के अंदर वन वैल्यू स्टोर हो जाएगी आई के अंदर जैसे ही वन वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो ये क्या करेगा ये चेक करेगा कंडीशन को क्या आई लेस देन इक्वल टू टेन है हाँ यार आई लेस देन इक्वल टू टेन है क्योंकि आई की वैल्यू वन है तो वन लेस देन इक्वल टू टेन सच होने के कारण ये ये लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा यानी कि वन को प्रिंट कर देगा और उसके बाद जब ये वापस लौटेगा तो ये करने के बाद लौटेगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आई प्लस प्लस तो आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू टू हो जाएगी अब ये वापस से इस कंडीशन को चेक करेगा क्या टू इज लेस देन इक्वल टू टेन हायर टू इज लेसन इक्ल टू टेन फिर से ये प्रिंट करेगा टू को और ये कर देगा यानी कि आई की वैल्यू ऑफ थ्री फिर ये चेक करेगा क्या थ्री इज लेस देन इक्वल टू टेन हायर थ्री इज लेसन इक्ल टू टेन तो ये थ्री को प्रिंट कर देगा और उसके बाद ऐसे ही फोर फाइव सिक्स सेवन एट करके एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू इलेवन हो चुकी होगी क्योंकि जब मैं टेंथ वाले को प्रिंट कर रहा हूँ आई इज इक्ल टू टेन वाले को तब टेन के लिए सच होगी ये कंडीशन टेन प्रिंट होगा फिर आई इलेवन बन जाएगा इलेवन लेस than equal टू टेन नहीं होता है इलेवन लेस टेन इज फॉल्स और इस कंडीशन के फॉल्स होने के कारण लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा अच्छा मैं यहाँ पर आई इज लेस दैन इकोल टू जीरो लिख दूँ यानी कि एक ऐसी कंडीशन लिख दूँ जो कि फॉल्स है जो कि फॉल्स है शुरुआत में ही फॉल्स है तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं तो आप देखो यहाँ पर कि कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ ठीक है लेकिन मैं इसको वापस से आई इज लेस दैन इकोल टू टेन कर देता हूँ ताकि मुझे वन से ले कर टेन तक नंबर्स प्रिंट होते दिखें तो एक से ले कर टेन तक देखो यहाँ पर मेरे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं और यही बात मैंने नोट्स में भी लिखी है कि अ फॉर लूप इज़ यूजली यूज टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड फॉर स्पेसिफ़िक नंबर ऑफ टाइम्स जैसे आपको पहले से मालूम है कि यार मुझे ये लूप दस बार चलाना है तो आप यहाँ पर लिख देते हो भाई यहाँ पर दस बार चलाना है मुझे तो आपने दस लिख दिया और इस तरह का एक लूप आपने यूज़ कर लिया ठीक है मान लो कि मुझे एक स्ट्रिंग को आइट्रेट करना है एरे को आइट्रेट करना है मतलब कुछ भी किसी को भी आइट्रेट करना है तो मैं इसकी सहायता से कर सकता हूँ दस बार मुझे नंबर्स को प्रिंट करना है तो मैं एक से दस तक यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या मैं ये काम करने के लिए वाइल लूप यूज़ कर सकता था हाँ डेफिनेटली बिल्कुल मैं यहाँ पर वाइल लूप इस्तेमाल कर सकता था लेकिन मैं यहाँ पर वाइल लूप इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूँ मैं चाहूँ तो कर भी सकता हूँ ये काम फॉर से भी हो सकता है वाइल से भी हो सकता है जो काम ए, एक लूप से होता है वो काम दूसरे लूप से भी हो सकता है लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारा फॉर लूप आसान पड़ता है जैसे कि नंबर प्रिंट कराने के लिए मैं फॉर लूप को ईजी समझता हूँ क्योंकि बहुत कम लाइन ऑफ कोड में काम हो जाता है और वाइल लूप से भी ये काम हो सकता है लेकिन वाइल इन मोस्ट ऑफ द केसेज आप तब यूज़ करोगे जब एक कंडीशन है जैसे मान लो कि वाइल नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय अ डेटा आर नॉट जीरो ठीक है इस तरह से आप कोई कंडीशन लिखते हो तब तक आप रोज़ को फैच करते रहना चाहोगे या जब तक यूज़र ने एक इनवैलिड नंबर रिटर्न नहीं किया सॉरी एंटर नहीं किया तब तक आप एक चीज़ को करते रहना चाहोगे तो उस केस में आप फॉर यूज़ नहीं करोगे क्योंकि यार आपको पता नहीं है कि लूप कितनी बार चलने वाला है आपको वो कंडीशन पता है कि जब आपको लूप को रोकना है तो आप उस केस में वाइल्ड लूप को यूज़ करते हो इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस बट आप लोग फॉर लूप वाइल्ड लूप कहीं भी जहाँ मन चायब यूज़ कर सकते हो बस कभी कभी कन्वीनियंट फॉर लूप हो जाता है कभी कभी वाइल्ड लूप हो जाता है तब जो आपको कन्वीनियंट जब लगे तब यूज़ करना चाहिए प्रोग्रामर एकदम इस चीज़ को लेके फ्री होता है कि वो कौन से लूप को यूज़ करना चाहता है ठीक है तो फॉर लूप इज़ यूजुअली यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स का यही मतलब है ठीक है क्विक क्विज़ देख लेते हैं क्विक क्विज क्या कहती है क्विक क्विज़ कहती है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स यूजिंग अ फॉर लूप अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि यार आपको फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स प्रिंट करना है मैं यार आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर ऑड नंबर्स को प्रिंट करूँगा लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इसको मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ अगर मैं टू एन प्लस वन लिख दूँ अच्छा मैं अगर टू एन लिख दूँ तो टू एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर्स को वेर एन इज़ अ नेचुरल नंबर ठीक है अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो आप चाहो तो वन से भी स्टार्ट कर सकते हो यानी कि आप एन की वैल्यू अगर ज़ीरो डाल दोगे तो ज़ीरो हो जाएगा टू एन एन की वैल्यू आप uh, वन डाल दोगे तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा एन की वैल्यू टू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा एन की वैल्यू सिक्स डालोगे तो सिक्स हो जाएगा इसी तरह चलता रहेगा ये तो मैं टू वन की सहायता से क्या जनरेट कर सकता हूँ मैं टू वन की सहायता से ईवन नंबर जनरेट कर सकता हूँ सिमिलरली अगर मैं टू वन प्लस वन लिख दूँ तो इन सब में एक एक जुड़ जाएगा यानी कि वन थ्री फाइव सेवेन नाइन और ये मैंने क्या जनरेट कर दिए ऑड नंबर जनरेट कर दिए तो 2n से वेर n इज इक्वल टू जीरो टू जितना भी आप आगे जाना चाहते हैं वहां तक आप 2n से इवन नंबर जनरेट कर सकते हैं और 2n एन प्लस वन से ऑड नंबर जनरेट कर सकते हैं ये आपको याद रखना है मतलब इसका आपको एक तरह से कह लो रट्टा लगा लेना है कि भाई 2n एन ईवन नंबर इसमें वैसे रट्टा लगाने का कुछ है नहीं बहुत ही समझदारी वाला कॉन्सेप्ट है बट अगैन आपको ये चीज़ सोचनी नहीं पड़नी चाहिए कभी भी आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करो या फिर कोडिंग कर रहे हो किसी चीज़ की आपको ये नहीं आना चाहिए कि यार क्या था वो ईवेंट नंबर वाला सिंपल है टू से मल्टीप्लाई करते रहो नंबर को ईवेंट नंबर ही जनरेट होगा जीरो से स्टार्ट करते हुए और किसी भी एक ईवेंट नंबर में आप वन जोड़ दो तो वो ऑड नंबर्स आ जाएंगे जो मिसिंग हुए थे यहाँ पर तो ये इवेंट नंबर्स ये ऑड नंबर्स इस जानकारी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार और पढ़ेंगे क्वेश्चन को राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स यूजिंग अ फॉर लूप आपको एक प्रोग्राम लिखना है फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स को प्रिंट करने का यूजिंग फॉर लूप तो मैं काम करूंगा मैं कहूँगा कि यार वो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या है ठीक है कितने कितने ऑड नंबर्स मान लो पाँच तो एक तो मैं इंट बना लूँगा एन इज ठीक है ये यूजर द्वारा इनपुट भी करवाया जा सकता है आप कैसे भी इस नंबर को ला सकते हो एन को मुझे नहीं पता कैसे ला रहे हो आप एन इज इक्ल टू फाइव ठीक है अब यहां पर मैं क्या करूंगा मैंने एन इज ईक्ल टू फाइव तो लिखा मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा ठीक है मैं लिखूंगा इंट आई इज इक्ल टू ज़ीरो आई इज लेस देन फाइव क्योंकि यहां पर मैं ज़ीरो डालता हूं तो वन जनरेट होता है और इसी तरह अगर मैं यहां पर फाइव लिखूंगा तो ये लूप पांच बार चलेगा और मैं पांच ही बार चलाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पांच ऑड नंबर्स चाहिए मैंने आई प्लस प्लस लिखा इस लूप के अंदर घुसेंगे और साउट किस चीज़ को करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन अब याद रखना आप ऐसे टू एन प्लस वन नहीं लिख सकते ये एरर होगा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई देना पड़ता है ये कोई आपकी मैथ्स की कॉपी नहीं है ये जावा का कोड है इसलिए यहाँ पर आपको टू स्टार एन लिखना पड़ता है ठीक है तो टू एन प्लस वन आप लिखोगे जैसे ही आप देखो फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स आपके पास आ जाएंगे कौन से होते हैं फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स Uh, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है और वो क्या गड़बड़ मैंने करी है टू मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन लिख दिया मैंने मुझे आई प्लस वन लिखा था आई एम सॉरी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार जीरो के लिए एक बार वन के लिए एक बार टू के लिए तो फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स कौन से होते हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन वन थ्री फाइव सेवन नाइन यहाँ पर आ गया है देखो एन की वैल्यू तो फिक्स है यहाँ पर पाँच तो ये चीज़ तो हमेशा फाइव मल्टीप्लाई बाई टू टेन प्लस वन इलेवन ही जनरेट करेगी तो यहाँ पर तो इलेवन ही जनरेट होना है अगर आप यहाँ पे एन लिख देते हो तो लेकिन अगर आप यहाँ पर आई लिखते हो तो आई की वैल्यू जा रही है जीरो से लेकर चार तक जब तक आई लेस देन फाइव है फाइव लेस देन फाइव के लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ठीक है तो इसलिए यहाँ पर टू स्टार आई प्लस वन लिखने से ऑड नंबर जनरेट होगा जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ठीक है तो यहाँ पर आ, एन की वैल्यू यहाँ पर मैंने एन लिखा था मैं ज़रा से ना कन्फ्यूजन को ठीक करने के लिए आई कर देता हूँ ठीक है आई कर देता हूँ उसको क्योंकि मैं एन को नंबर ऑफ जितने भी हमारे नंबर्स हैं नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो इवन ऑट वो है और यहाँ पर मैं एन लिखूंगा पाँच नहीं लिखूंगा फिर मैं अगर यहाँ पर एन की वैल्यू चेंज कर दूँ जैसे दस लिख दी मैंने फिर रन किया तो दस ऑट नंबर्स जनरेट हो जाएंगे गिन लो आप चाहो तो इनको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस हो गए जनरेट ठीक है जितने मन चाहे आप कर सकते हो जनरेट आप हज़ार कर लो यार जनरेट पैसे नहीं लगते कर लो जनरेट ठीक है तो कुल मिलाकर ये प्रोग्राम था अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं पर इसको दस कर देता हूँ पहले ठीक है इनफैक्ट तीन कर देता हूँ ताकि वन थ्री फाइव ही जनरेट हो एक बात मैं ये बताना चाहता था आपको कि जब आप यहाँ पर आई लेस देन एन लिखते हो तो ये आई लेस देन एन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन हो ये कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन हो सकता है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि बुलियन रिटर्न करे क्या रिटर्न करे बुलियन रिटर्न करे आप एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख सकते हो लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है ये एक बुलियन में इवेल्युएट होना चाहिए ठीक है सो so ये चीज है हमारी और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे नोट्स में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को डिक्रीमेंटिंग फॉर लूप का यहाँ पर फॉर लूप हमने देखे कि हम यहाँ तो वन से स्टार्ट कर रहे हैं हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आई की वैल्यू वन टू थ्री फोर जैसे ये बीच वाली कंडीशन फॉल्स होती है हम कहते हैं भाई रुक जाओ अब लूप यहाँ पर ख़त्म हो चुका है इस तरह से हम लोग लूप को चला देते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे डिक्रीमेंटिंग फॉर लूप को देखेंगे ठीक है तो ये वाला जो लूप है इसको ज़रा सा मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इनको सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं क्या करूँगा कि नीचे आकर एक लूप लगाऊंगा मैं लिखूँगा इन टाईज टू फाइव आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आए प्लस प्लस क्या ये क्या ये वैलिड है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताओ मुझे नीचे कमेंट में लिख के क्या आपको लगता है कि ये वैलिड है क्या इस कोई दिक्कत है मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि इनिशियलाइज करो चेक बोलियन एक्सप्रेशन करो अपडेट करो ऐसा तो कोई नियम नहीं था कि यार नंबर बढ़ते क्रम में होना चाहिए घटते क्रम में होना चाहिए ऐसा तो कुछ नहीं था इनिशियलाइज करो चेक करो बोलियन एक्सप्रेशन को और अपडेट कर दो ऐसा तो कोई रूल नहीं था कि यार बढ़ते घटते क्रम में हो तो अगर ऐसा कोई रूल नहीं था तो हम लोग ये बिल्कुल कर सकते हैं बस ये है कि आई प्लस प्लस की जगह मुझे आई माइनस माइनस करना ये कैच था इसमें आए प्लस प्लस क्यों गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ये कंडीशन कभी फिर फॉल्स होती ही नहीं इन्फाइनट लूप हो जाता चला के दिखा देता हूँ आपको ये देखो चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है इसको कैंसिल करना पड़ेगा यार कैंसिल कर देता हूँ नहीं तो मेरा जो लैपटॉप है उसके पंखे घूमेंगे और उड़ जाएगा लैपटॉप ड्रोन बन के ठीक है यहाँ पर इंट आई जीको टू तो फाइव आई लेस जीरो आई प्लस प्लस नहीं आई माइनस माइनस करूंगा अगर तो मैंने क्या बताया था पहले ये एक बार रन होता है ये इनिशलाइज होता है आई की वैल्यू पाँच हो गई चलो जी बढ़िया पाँच हो गई आपकी वैल्यू इसके बाद ये कंडीशन सच है या फॉल्स है फाइव इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो यार तो ये जाके ये प्रिंट करेगा पाँच को प्रिंट करेगा फिर पाँच को चार बना देगा फिर उसके बाद चार इज ग्रेटर देन जीरो यस yes, चार प्रिंट करेगा तीन प्रिंट करेगा दो प्रिंट करेगा एक प्रिंट करेगा जब ये एक प्रिंट कर रहा होगा एक प्रिंट करेगा आई माइनस माइनस में जाएगा एक ज़ीरो हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा एक ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद एक जब ज़ीरो यहां पर हो जाएगा तब जीरो ग्रेटर देन जीरो फॉल्स हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूं यहां पर ये यह पाँच से लेके एक तक प्रिंट करेगा जीरो को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये चीज़ ज़ीरो के लिए सच नहीं है और उसके बाद ये लूप से एग्जिट हो जाएगा तो बिल्कुल सिमिलर वे में ये चीज़ काम करेगी इसको मैं रन करता हूं ये देखो पाँच चार तीन दो एक पांच के लिए सच था चार के लिए सच था तीन के लिए सच था दो के लिए सच था एक के लिए भी ये सच था लेकिन ज़ीरो के लिए ये सच नहीं था क्योंकि जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूंगा तो जरूर आ जाएगा जीरो क्योंकि जीरो ग्रेटर देन जीरो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है सॉरी जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं होता है और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है लेट मी गेट दिस करेक्ट ठीक है मैंने वैसे बता रखा है बट अगेन यहाँ पर फाइव फोर थ्री टू वन जीरो प्रिंट हो गया है आई होप आपको समझ में आ गया कि यार ये चीज़ एक बार रन होगी फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी सच होगी तो अंदर जाएगा अपडेट करेगा कंडीशन चेक करेगा 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 अंदर जाएगा अपडेट करेगा ऐसे आप गाना गा गा के भी याद कर सकते हो यार यार वट एवर इट टेक्स मुझे नहीं पता आपको याद होता है गाने गा के करो याद मुझे नहीं पता ठीक है तो इस तरह से हम लोग जो है इसको इस तरह से को समझ सकते हैं बहुत ही आसान था यार फॉल लूप में कोई दिक्कत नहीं थी इस तरह के फॉल लूप को डिक्रीमेंटिंग फॉल लुप बोलते हैं यानी कि जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है जैसे यहाँ पर देखो आप सात से ये उल्टी क्रम में प्रिंट करेगा साथ के बाद छ पाँच चार तीन दो एक यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा है तो क्या होगा आई नॉट इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो जब तक ये जीरो नहीं है तब तक ये चलता जाएगा और जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा ये रुक जाएगा ठीक है देखो ये भी ये भी काम करेगी सेम खेल सेम है देखो गेम एग्जैक्टली सेम है ये एक बार रन होना है उसके बाद आपका चेक होनी है कंडीशन प्रिंट करेगा अपडेट करेगा कंडीशन प्रिंट अपडेट और ये प्रिंट जरूरी है ये प्रिंट ही हो लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर कुछ भी कोड हो सकता है जो भी कोड आप डालो वो हो सकता है ठीक है तो इस तरह से फॉर लुप काम करता है दिस फॉर लूप कीप्स रनिंग अनटिल आई बिकम जीरो क्योंकि मैंने यहाँ पर आई नॉटिकल टू जीरो लिखा है तो आई जैसे ही जीरो हो जाएगा आईन ऑटिकल्स टू जीरो वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जैसे ही आइन ऑटिकल्स टू जीरो वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही ये लूप एग्जिट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी ठीक है अब ये क्विक कोई सब लोग मुझे नीचे करके दिखाओ यार कॉमेंट सेक्शन में राइट प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इन अ रिवर्स ऑर्डर और एन एक वेरिएबल एक इंटीजियर वेरिएबल है मुझे ऐसे कोई नंबर डाल के मत देना एन एक वेरिएबल है आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने है और नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं जीरो से स्टार्ट होने वाले होल नंबर्स होते हैं पता है आपको ठीक है चलो आप नीचे जल्दी से टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करो उससे क्या होता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा होता हूँ तो मैं टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके देख पाता हूँ कि यार आपने कौन से वाले पार्ट में ये कमेंट किया है क्या चीज़ सुन के आपने कमेंट किया है तो वो मेरे लिए इजी हो जाता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है टाइम स्टैम्प लगा देना ठीक है आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट आई होप आपने कॉमेंट किया होगा एंड इट इज़ वेरी सिंपल यहाँ पर आपको सिंपली एन लिखना है और जैसे ही आप यहाँ पर एन लिखोगे आपके उल्टी गिनती में नेचुरल नंबर्स Clear. आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे break, और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यार फिर आगे बढ़ेंगे जावा में काफी कुछ है और देखने को सो so, अभी यहां पर मैं आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ काफी लोग मांग रहे हैं यार नोट्स की पीडीएफ आपके लिए बनाइए दे दूंगा जल्दी आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है ठीक है बस ये चैप्टर जैसे खत्म होगा नोट्स की पीडीएफ आपके हाथ में होगी ठीक है जल्दी जल्दी कर रहा हूँ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जल्दी आप लोग यार इस वीडियो को लाइक कर दो प्लेलिस्ट तो काफ़ी लोगों ने एक्सेस कर ली है मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ने एक्सेस कर ली है यार जिसने नहीं करी है वो कर ले जो कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है एक्सेस ज़रूर कर लें वो एक्सेस ठीक है उसी के साथ साथ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू Next time.